डियर व्यूवर्स, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जोधपुर ज़िले का ट्रेवल किया था, तो अब हम यहाँ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी यानी सपनों का शहर कहे जाने वाले सिटी मुंबई के अंदर। जी हाँ गाइज, हम इस वर्चुअल ट्रेवल की सीरीज में मुंबई की सभी छोटी बड़ी जानकारी व यहाँ की दुनिया के कुछ अनसुने सीक्रेट और इस सिटी में ट्रेवल करने की सभी जगहों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। दरअसल भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई शहर की स्थापना 17वीं सदी में गेराल्ड ओंगियर नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। इस समय इसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका मुंबई नाम रखे जाने की मुख्य वजह यह है कि यहाँ स्थापित मुंबा देवी का मंदिर, जो इस शहर में बसे मछुआरों में कोली जाति की कुल देवी मानी जाती है और मराठी भाषा में माता या माँ को आई कह के पुकारते हैं, जिस वजह से इस सिटी का नाम समय के साथ साथ धीरे धीरे मुंबा प्लस आई मिलकर मुंबई पड़ गया। बाद में इस नाम को 1995 में शिवसेना सरकार द्वारा एक आधिकारिक रूप दे दिया गया। गाइज, अब हम सबसे पहले इस जिले के एक एक करके सभी पर्यटन स्थलों का ट्रेवल करेंगे, जिनमें नंबर वन पे आता है जुहू बीच। ये मुंबई के नॉर्थ सेंटर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के एक खूबसूरत तट पर बसा हुआ है। इस बीच की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ की सैर करने आए और वो शाम होने से पहले सनसेट व्यू को देख के बगैर निकल जाए, तो उस पर्सन का जुहू बीच पर आना अधूरा सा माना जाता है। वैसे यह जगह मुंबई की सबसे लोकप्रिय जगहों में शुमार होने की वजह से यहाँ हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस जुहू बीच के पास में ही एक इस्कॉन मंदिर, होली क्रॉस चर्च, महालक्ष्मी मंदिर और सिद्धि विनायक जैसे मुंबई के धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं, जिनमें से अब हम जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर की ओर। ये टेम्पल धन की देवी को समर्पित एक हिंदू व्यापारी धाकजी दादाजी द्वारा सन 1831 में बनवाया गया था, जो आज के समय में मुंबई के सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। और इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि यहाँ नवरात्रों के समय में लाखों भक्त माता के दर्शन करने आया करते हैं। अब यहाँ से निकलकर हम चलते हैं पास में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर की ओर। ये टेम्पल भगवान श्री गणेश को समर्पित सन 1801 में बनवाया गया था। वर्तमान समय में ये मंदिर मुंबई के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन व पूजा अर्चना के लिए आया करते हैं। इस टेम्पल में अगर आप ऊपर छत की तरफ नजर फैलाओगे तो आपको पूरी छत सोने से मंढी हुई दिखेगी, जो इस मंदिर की लोकप्रियता व प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा देती है। अब जाएंगे हम मरीन ड्राइव की ओर। दरअसल मरीन ड्राइव एक 3 किलोमीटर लंबी 6 लाइन वाली सड़क है, जो दक्षिणी मुंबई के तट को उत्तरी मुंबई के तट से जोड़ती है। ये जगह मुंबई वासियों को ही नहीं बल्कि इस सिटी में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि यहाँ पर ढलते हुए सूर्य के शानदार मनोरम दृश्य को देखना अपने आप में एक अलग ही लेवल का एहसास दिलाता है। वह अगर आप यहाँ पर बिना रुके इसके नज़दीक से होकर निकलोगे तो समुद्र से उठने वाली शांत लहरों की मधुर ध्वनि भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गाइज, अब चलते हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध व प्राचीन गुफाएं एलिफेंटा केव्स की ओर, जो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित एक आइलैंड पर बनी हुई है। इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सन 1987 में शामिल किया गया था। ये अट्रैक्टिव और दर्शनीय एलिफेंटा गुफाएं मध्ययुगीन काल से रॉक कट कला और वास्तुकला का एक शानदार व बेहतरीन नमूना है। इन केव्स के अगर निर्माण की बात करें तो ये लगभग 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य इनको बनाया गया था, जो आज विश्व स्तर के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा फेमस मानी जाती है। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आपको इन गुफाओं में अनेक प्रकार की जबरदस्त डिजाइन वाली मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एक शानदार बोट यात्रा के माध्यम से एलिफेंटा की गुफाओं तक पहुँचना एक यूनिक एक्सपीरियंस फील होता है। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल कर जाएंगे ग्लोबल विपश्यना पैगोडा की ओर। ये आपको इस सिटी के दर्शनीय स्थलों की लिस्ट में भले ही नया लगे, लेकिन बिना किसी संदेह के हमारा ये कहना गलत नहीं होगा कि आप इस शहर में आए तो यहाँ जरूर जाके आए, क्योंकि ये पैलेस एक शांति का प्रतीक है जो कि भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है। इस धार्मिक जगह का मुख्य विचार बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना है। यहाँ पर आपको इन सब के अलावा मेडिटेशन करने के लिए एक शांत वातावरण व अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो इस पल को यादगार बनाने के लिए पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि एंट्री फीस के नाम पर 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। अब आता है हैंगिंग गार्डन। यह मालाबार पहाड़ी के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जिसको मुंबई में फिरोज शाह मेहता गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह बेहतरीन पिकनिक स्पॉट अपने चारों तरफ हरियाली व यहाँ पेड़ों को बेहद ही सुंदर ढंग से जानवरों की आकृति में काटा गया है, जो अट्रैक्शन का मुख्य रीजन माना जाता है। यहाँ पर बनी सबसे खास आकृति बूट हाउस भी पर्यटकों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नेक्स्ट नंबर पे है हाजी अली शाह की दरगाह, जो मुंबई शहर के धार्मिक स्थलों में से एक सबसे अद्भुत और प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल माना जाता है।
क्योंकि यह समुद्र के बीच में स्थित दरगाह यहाँ पर आने वाले लोगों को भाव विभोर कर देती है। इस पवित्र स्थल का निर्माण 19वीं सदी में करवाया गया था, जो पीर हाजी अली साहब बुखारी को समर्पित है। यहाँ पर लोकमत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पीर हाजी अली साहब पहले यहाँ रहकर लोगों की सेवा करते थे, पर वे एक बार मक्का की धार्मिक यात्रा पर निकले थे, जहाँ पर उनका देहांत हो गया, लेकिन चमत्कारपूर्ण ढंग से उनका ताबूत समुद्र में बहता हुआ वापस इसी जगह पर आ पहुँचा और इस तरह एक प्रतिष्ठित दरगाह का जन्म हुआ। गाइज, अब यहाँ से निकलकर हम जाएंगे मुंबई के विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया जगह पर। इसका निर्माण विजय मेहरा और राजा जॉर्ज फिफ्थ और रानी मेरी के भारत आने के उपलक्ष्य में करवाया गया था, जिसको ब्रिटिश राज के जाने माने वास्तुकार जॉर्ज वित्तीय ने डिजाइन किया था और आज ये इंडिया गेट हमारे बीच हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। आपको यहाँ पर हमेशा गुब्बारे बेचने वाले कई फोटोग्राफर, साथ में बेलपुरी बेचने वाले और सैकड़ों की संख्या में विदेशी सैलानी भी एंजॉय करते दिख जाएंगे। अब आता है तारापोर वाला एक्वेरियम, जो मुंबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट व भारत का सबसे पुराना एक्वेरियम माना जाता है। इसका निर्माण सन 1951 में किया गया था। यहाँ पर समुद्री और ताजे पानी की मछलियों की 400 से अधिक प्रजातियाँ रखी गई है। वह इसमें 180 डिग्री पर बनी 12 फीट लंबी कांच की सुरंग आपको समुद्री जीव से अवगत कराने में कोई कमी नहीं छोड़ती। यहाँ की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर बने एक विशेष पुल में रखी गई हानि न पहुँचाने वाली मछलियों को भी आप अपने हाथों से छू सकते हैं। यह है गोराई बीच, जिसको मुंबई का सबसे शांत बीच कहा जाता है। यहाँ अरब सागर की सुखदायी लहरें इसको फुर्सत में शाम बिताने के लिए एक आदर्श जगह वाला बीच बनाती है, जो मुंबई शहर से उत्तर दिशा में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आता है विक्टोरिया टर्मिनस, यानी मुंबई जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन। इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल संरचना अपने विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है और आज ये ऐतिहासिक स्थल भारत में ब्रिटिश राज का प्रतीक माना जाता है। डियर व्यूअर्स, अब चलते हैं मुंबई की सबसे बेहतरीन जगह छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की ओर। सबसे पहले इसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, तथा इसका निर्माण वेल्स के राजकुमार के भारत यात्रा के दौरान मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपतियों व नागरिकों से प्राप्त सहायता के माध्यम से बॉम्बे सरकार द्वारा इस इमारत का निर्माण किया गया था। यह भवन वास्तुकला की इंडो सोर्सेनिक शैली का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें भारत की कला और संस्कृति के इतिहास को सहेज कर रखा गया है। इस संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इसे सन 2010 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है एसएल वर्ल्ड पार्क। यह एसएल वर्ल्ड कोई साधारण पार्क नहीं, बल्कि मुंबई शहर का सबसे रोमांटिक पैलेस के रूप में जाना जाता है। इस पार्क की शुरुआत सन 1989 में जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बना वाटर किंगडम एशिया के सबसे बड़े वाटर पार्कों में गिना जाता है और आपको बता दें ये जगह मुंबई शहर के गोराई बीच के पास स्थित है। इस एसएल वर्ल्ड पार्क की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ पर हर साल 20 लाख से भी अधिक टूरिस्ट पिकनिक मनाने के लिए आया करते हैं, जिसका मुख्य रीजन ये है कि यहाँ पर हर प्रकार की मल्टी फन एक्टिविटीज के साथ जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया जा सकता है। यह है जामा मस्जिद, जिसको मुंबई की सबसे पुरानी मस्जिदों में गिने जाने का गौरव प्राप्त है। यह पवित्र स्थल क्रॉफर्ड बाजार के पास स्थित है, जो अपनी जटिल संगमरमर की नक्काशी और शानदार कलाकृतियों की वजह से पूरे देश भर में विख्यात है। अब लास्ट में आती है यहाँ की फिल्म सिटी, जिसका पूरा नाम दादा साहिब फाल्के चित्र नगरी रखा गया था और इन्हीं दादा साहिब फाल्के के नाम पर भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये फिल्म सिटी मुंबई के गोरेगांव व संजय गांधी नेशनल पार्क के पास स्थित है, जहाँ पर कई बड़े रिकॉर्डिंग हॉल, गार्डन, झील और ग्राउंड बने हुए हैं, जो टोटल बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए आयोजन स्थल के रूप में काम करते हैं। गाइज, अब बात करेंगे थोड़ा नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए। वर्तमान समय में मुंबई डिस्ट्रिक्ट की कुल जनसंख्या लगभग 34,29,434 व्यक्ति मानी गई है, जिनमें से 89.21% लोग पढ़े लिखे हैं। और अगर इस शहर की भीड़भाड़ के बारे में बात करें तो सन 2011 के जनगणना वाले आंकड़ों के अनुसार यहां प्रति एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 19,652 व्यक्ति निवास करते हैं। अब हम यदि मुंबई के खान पान की बात करें तो यहाँ आपको भारत के हर कोने का खाना मिल जाएगा और साथ में विदेशी व्यंजन भी, लेकिन यहाँ इन सब के बावजूद भी भोजन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बड़ा पाव माना जाता है। गाइज, अब अगर आप बाहर से मुंबई का हवाई यात्रा के माध्यम से यहाँ का टूर करना चाहते हैं तो आपको बता दें यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है। प्रिय बंधु, मुंबई जैसे विश्व विख्यात शहर को मात्र एक वीडियो में बखान कर पाना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसलिए अब चलते हैं विराम की ओर, मिलते हैं जल्द ही ऐसे एक और नए वीडियो में नए शहर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।